मास्क की वेंडिंग मशीन लगा रखी है। ये तो मैंने पहली बार देखी। मास्क की है वेंडिंग मशीन? मास्क की वेंडिंग मशीन है। अरे भाई भाई ऐसे दिन आ गया, देख लो अब मास्क की भी वेंडिंग मशीन्स हैं। तो भाई बाय द वे आपको बता भी दे कि अभी हम जस्ट अभी अपना लंच करके हटे ही हैं। अवर टमी इज फुल नाउ। तो अभी हमारी एनर्जी दोबारा से फुल हो चुकी है और अभी शाम के बज गए हैं 5। अभी तो धूप ही, अभी तो 5-6 घंटे पर रहेगा अभी। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या मिलता है यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए। अगर होगा तो प्रियंका को कनाल राइड भी कराएंगे, मतलब बोट राइड कनाल की। चलो तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि बेल्जियम वैसी चॉकलेट्स के लिए कितना फेमस है, तो प्रियंका तो लेटने को हो गया चॉकलेट्स पे। भाई इतने टाइप्स की चॉकलेट है यहाँ पे, हर शॉप पे चॉकलेट बनती है और बेल्जियम की लोकल चॉकलेट स्पेशली बहुत फेमस है। ऐसा नहीं कि लिंट विंट, ऐसा नहीं, प्रॉपर चॉकलेट। अरे वो तो लोग पूछ रहे हैं कौन सी चॉकलेट चाहिए, पर भाई इतनी अंजीर चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या टाइप की चॉकलेट है यहाँ। तो ब्रो इसकी गलियां गाइस HD में। स्ट्रीट फूड वगैरह भी सही है यहाँ पे। हाँ ये इटालियन है रेस्टोरेंट, इटालियाना यार। यहाँ पे चॉकलेट्स की वैरायटीयां देख लो भाई तुम। ओह माय गॉड, वेफल और वॉफल की स्मेल, वॉफल की स्मेल। वॉफल खाएंगे अभी, हमारे पेट में जगह नहीं है तो अभी थोड़ी देर में खाएंगे। हाँ। कुछ तो है भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा, जो देखते हैं। रेस्टोरेंट टाइप का ही है। टिनटिन रेस्टोरेंट? हाँ रेस्टोरेंट है, पर कितने सही से बना हुआ ना अंदर। टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये रेस्टोरेंट है एक्चुअली। आई थिंक बेल्जियम इज फॉर एक्सपीरियंस। आई थिंक ये उसी के अंदर का एरिया है। हां अटैची में दारू ही दारू। बेल्जियम यहां का वैसे बियर के लिए सबसे फेमस है। आप दारू के अटैची भी गिफ्ट कर सकते हैं, खुली हुई रखी, खुली हुई रखी हुई है ये बियर वॉल। बेबी कार्ड्स का भी देते हैं। हां मतलब दारू भी और कार्ड खाएं, कार्ड खेलें। तो भाई ये कनाल है यहाँ की ब्रूस की और यहाँ पे आप देख भी होंगे बोट्स आ रही हैं, तो बोट टूर देते हैं पूरे सिटी का, ब्रूस का बेसिकली। तो अभी हम भी जाने वाले हैं वहाँ पे। तो भाई अभी हमने टिकट्स ले लिए हैं अपनी बोट राइड की, 10 यूरोस पर पर्सन है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम 2016 में की थी तो 12 यूरोस की थी मेरे को याद है, तो पता नहीं है शायद थोड़ी सस्ती है। तो आज फटाफट बोट राइड लेते हैं और ब्रूस सिटी टूर आपको बोट राइड में देंगे हम। तो भाई प्रियंका आई है अभी बोट राइड करने के लिए और पूरा सिटी का टूर प्रियंका ही देगी। 2 यूरो की चीज़ तो दिलाता नहीं। क्या है? कुछ नहीं। 2 यूरो की चीज़ नहीं दिलाता अभी उसका कोई यूज़ ही नहीं है, यूजेबिलिटी देखो। है? क्यों नहीं है? जब दांत तोड़ने पे आते तब। दांत का किसने तोड़े हैं? बहुत बोतल आती है हमारे घर पे, अभी भी नींबू पानी की एक बोतल पड़ी है। नाइकी वाले भी बहुत बेचते हैं, तो दांत से खुल जाती है मतलब। अच्छा चलो वापस आते वो वाला दिला किसी और के सामने नहीं अच्छा लगता ना खुद। पर यार वो बोतल वाला मेरे को अच्छा नहीं लगा डिजाइन उसका, ब्रूज वाला था, एक नीचे ब्रूज लिखा हुआ था, ब्रूज लिखा हुआ था। चलो तो मैं वापस जाते हुए दिलवाता हूँ, ठीक है? कोई नहीं तो मैं दिलाता हूँ अभी, साथ में 2 सोटे भी मारता हूँ। कयूं मार रही है प्रियंका मेरे को, कैमरे में कैद है। और जो तुम मारते हो वो कैमरे में कैद नहीं है। फाइनली वी आर इनसाइड द बोट, थोड़े डिस्टेंस के साथ, डरे डरे। अगले हफ्ते टीका भी लगना है।
और ये कनाल के नीचे से निकल रहे हैं अभी, मतलब ऊपर ब्रिज है ना। सारे जो है ये प्राइवेट हाउसेस हैं कनाल के आसपास के। भाई कितना सही व्यू में रहते हैं ना ये लोग। आई थिंक यहाँ पे एक वो भी आता है पॉइंट जहाँ पे नेदरलैंड का बॉर्डर है, बताएगा वो। 50 मीटर स्क्वायर, बहुत छोटे घर है यार ये तो। यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे घर हैं जो बंदा बता रहा है, वो हम भी साथ में टूर दे रहे हैं। भाई कितने छोटे घर हैं, 50 मीटर स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, कैंप वाले घर हो गए अपने इंडिया के। भाई ये इतने पुराने बने हुए हैं, काफी पुराने हैं और अब ये म्यूजियम बन चुका है। तो अभी ये जो आ रहा है ये लोवेस्ट ब्रिज है पूरे टूर का, तो इसमें आई थिंक हमको सर भी नीचे करना पड़ेगा। नीचे कर लेना सर क्योंकि लगेगा। दिस इज द लोवेस्ट ब्रिज ऑफ द ब्रूज। ओ भाई और अरे 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 टच भी कर सकते हैं हम इसको। अरे भाई बहुत नीचे था, तो इतना नीचे था ये, क्या ही बताऊँ आपको। हेलो, देख लो हम नेदरलैंड टच करके जा रहे हैं, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। आज मैंने तुम्हें नेदरलैंड भी घुमा दिया। मैं हमें घूमती रहती हूँ मैं। कनाल में हम लोग बोट राइड ले रहे हैं, वहाँ पे पीके मूवी में अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत ने भी राइड ली थी। बस डिफरेंस ये है कि उनकी अलग से बोट थी, हमारे में बहुत लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है पूरी बोट हायर करने का। तो भाई ये है यहाँ का चर्च ऑफ आवर लेडी। अरे भाई बहुत बड़ा है ये तो, बिल्कुल ऊंची चोटी वाला। अरे बेचारा बोले का ये देखो इंडिया में भी ये काम होने चाहिए। 90 साल की उम्र में भी हाथ पकड़ के अपना आराम से चल रहे हैं। वहाँ पे शर्म आ जाती है लोगों को, हैं? तुम इंडिया जाओगे? वहाँ पे इंडिया में माँ बाप के आगे हाथ पकड़ लो तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, सबके सामने ऐसे मत बैठा करो। हाँ। तो इंडायरेक्टली बोल ही देते हैं फिर। हम तो कहते हैं खुद भी पकड़ो दूसरों को भी पकड़ने दो। लिव एंड लेट लिव अदर्स। मैंने देखा हुआ, मजाक में पकड़ के ऐसे खुश हो जाते हैं। तो भाई प्रियंका के लिए स्पेशली हम 2 किलोमीटर चल के वॉफल्स लेने आए, अभी हमने ऑर्डर किए वॉफल्स। Yes guys, और हमने मंगाए हैं वॉफल्स विद चॉकलेट। अब प्रियंका बताएगी कैसे हैं वो, मतलब अच्छे ही होंगे यहाँ के वॉफल्स के लिए तो फेमस है। और ये हमारा लास्ट स्टॉप है, उसके बाद एक और चीज़ है वहाँ पे कुछ अलग सा है, वो दिखाएंगे फिर हम। हाँ। रास्ते में आती है वो मैं बताऊँ, दिखाऊंगा तुमको। चलो चलिए। अच्छा बेकार है, बोल लो कोई बात नहीं। Very nice, heavy. Heavy है?
हाँ मतलब अगर एक दिन खा ले तो आपका पेट लाइक अच्छा खासा भर जाएगा, बट गर्म है सो मैं इसलिए इसको थोड़ा मैं नहीं खा रहा, मेरा मेरे को अभी मीठा नहीं खाना, मेरे को आई नीड समथिंग लिक्विडी। मेरे पास है फिर ले लूं। हाँ तो अभी ले लेता हूँ। तो प्रियंका जब तक एंजॉय करती है तब तक हम आगे चलते हैं, चलो। तो भाई मैं प्रियंका को इस जगह के बारे में बता रहा था, जब मैं 2016 में आया था तो यहाँ पे भी आया था, हम लोग साइकिल लेके आए थे यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे साइकिल ले ली थी रेंट पे और हम लोग ऐसे ही अपने रोड्स पे चलाए जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। वो भी ऑप्शन आप लोग वो भी कर सकते हो। हाँ और ये बिल्कुल उसके पास में है जो हमने आपको स्टार्टिंग में वर्ल्ड हेरिटेज वाला जो दिखाया था, जो एंट्रेंस दिखाई थी वहीं पे ही है ये। तो बहुत ही मतलब ऊपर बैठो अपना आराम करो, पिकनिक मनाओ, बहुत ही सही व्यू है वो। तो गाइस अब ये मैं और प्रियंका बात कर रहे थे कि कोविड से पहले हम लोग इतना चलते थे कि मतलब जैसे हम ऑफिस भी जाते थे तो वहाँ पे भी बहुत चलना हो जाता था, और अभी ऐसी हालत हो चुकी है कि भाई मतलब थोड़ा सा भी चलते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ चल लिए हैं, क्योंकि आदत घर पे बैठे बैठे ऐसी बन गई है। कमेंट करना अगर आप सबकी वहीं सेम हालत है हमारे जैसी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं चल पाते, बट ऐसा होता है कि अगर हम 8-10 किलो, जैसे आज हम 7 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, तो 7 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा लग रहा है, लेकिन पहले हम जिम विम जाते थे सब करते थे तो इतना नहीं लगता था आई थिंक। तो कमेंट डाउन बिलो इफ यू आल्सो फील द सेम। एक बार ये खा के लोगों को इसका आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, अब ठंडा हो गया क्योंकि तो वॉफल्स अभी मैं खा रहा हूँ ठंडा होने के बाद, क्योंकि मेरे से गर्म खाया नहीं जाता। मैं इसकी जीभ जला चुकी हूँ। पीछे हमारे विंड मिल है, अच्छे व्यू में बैठे हम, और बिल्कुल इतना सही शांत मतलब फ्रेश एनवायरनमेंट है एकदम से, आराम से, ना शोर है ना कुछ है, बीच बीच में एक आधी गाड़ी आ रही है बट कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग भी घर के लिए निकलेंगे, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, अभी भी दिन ही है वैसे तो, अभी 2 घंटे की ड्राइव है हमारे घर से ऑलमोस्ट। कितने किलोमीटर दूर था ये? 120 नहीं ये 120 नहीं, ज़्यादा था 150 के आसपास था, मतलब 2 घंटे की ड्राइव। हाँ मतलब 2 घंटे की ड्राइव थी, मतलब उसमें भी हाईवे टच करके मतलब 120 की स्पीड पे होता है तब भी हमको 2 घंटे लग जाते हैं। थोड़ा ट्रैफिक भी था, तो अभी मेरे को ड्राइव करना है, ऑफकोर्स मेरी हालत टाइट हो जाएगी, प्रियंका तो आराम से बैठ जाएगी। हाँ तो मेरे को ड्राइव भी करना है, व्लॉग को लाइक कर देना और जो भी चीज़ अच्छी लग रही है व्लॉग के अंदर वो नीचे कमेंट भी कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। और आज के व्लॉग में भी हम शाउट आउट देना चाहते हैं, तो आज हम किस किस को शाउट आउट देंगे प्रियंका? आज हम शाउट आउट देंगे वसंता आर को, और किसको देंगे? और वनीता को। मतलब जितनी खुशी कमेंट्स रीड करके होती है ना, उतनी खुशी किसी चीज को देख के नहीं होती है, कि तुम्हारी मेहनत को लोग मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देयर लाइकिंग इट, तो वही इम्पोर्टेंट होता है और वही हमारा क्रेडिट होता है। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर है या कुछ भी है, बट जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है हम उनके कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, एंड वी फील लाइक कनेक्टेड, फील लाइक फैमिली। नाउ वी आर मोर देन 1000, सो हाँ तो कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस द वे यू आर डूइंग इट, शेयर आवर वीडियो जितना भी हो सकता है शेयर भी कर दिया करो। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।